नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उच्च के शनि के बारे में। अर्थात यदि जन्म कुंडली में शनि उच्च के हो गए तो वह क्या परिणाम देंगे, क्या क्या फल दृष्टिगोचर होंगे उच्च के शनि से, और क्या विशेष गुण देंगे, और किस परिस्थिति में ये शनि उच्च के होकर के अपना शुभ फल देंगे, और क्या यह हमेशा ही आवश्यक है क्या जब शनि उच्च के होंगे तो वह शुभ फल देंगे, क्योंकि शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो एक राशि पर 2.5 वर्ष यानी तुला राशि पर उच्च के होते हैं। अब तुला राशि पर यदि 2.5 वर्ष तक रहेंगे तो क्या ये 2.5 वर्ष सभी लोगों को शुभ फल मिलेंगे क्या, हम लोग आज इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पर चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके लिए ही है। मैं आपके लिए ही इस मंच पर आता हूं, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के धन्यवाद आता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अभी हमने सवाल जवाब श्रृंखला कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, जिससे कि आप लोग लाभान्वित हो सके। तो आपके मन में ज्योतिष से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो, ज्योतिष से संबंधित यदि कोई जिज्ञासा हो, आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हो, या कोई विशेष प्रश्न हो, तो आप वीडियो के किसी भी वीडियो पर, कोई भी किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज की चर्चा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, शनि एक ऐसे ग्रह जो यदि जन्म कुंडली में शुभ हो गए या शुभ अवस्था में आ गए तो निसंदेह उस व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर उठेगा, उसके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। तो शनि उच्च के होते हैं तुला राशि पर, और 20 अंशों तक ये उच्च के माने जाते हैं। तुला राशि पर स्थित शनि हो तो शास्त्र में लिखा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में धनी होता है, मानी होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है, यशस्वी होता है। शनि की महादशा अंतर्दशा में उसे विशेष धन की प्राप्ति होती है, और वह जीवन काल में उन्नति करता है। शास्त्रों में यह फल लिखे गए हैं, और शशियों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि उच्च के शनि केंद्र में हो गए तो पंच महापुरुष योग शशियों बन जाएगा। अब सवाल होता यह उठता है कि यह उच्च के शनि का इतना अच्छा फल क्यों, और शनि उच्च के होते हैं तो क्या हमेशा शुभ फल मिलते हैं क्या, हम लोग आज इस पर एक बृहद चर्चा करेंगे, और कुछ मैं अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा जिससे आप लोग अपने शनि को और बेहतर कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को शनिदेव की प्रकृति को समझना होगा कि शनिदेव की प्रकृति क्या है। शनिदेव हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं जो व्यक्ति ईमानदार हो। शनिदेव हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं जो व्यक्ति भुजाबल में, बाहुबल में विश्वास रखता हो। शनिदेव हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं जो व्यक्ति नैतिकता की पराकाष्ठा पर, यानी जिसका नैतिक आचरण, जिसका नैतिक चरित्र बहुत उन्नत हो, जिसका जो अंदर का कॉन्साइंस हो वो प्योर हो, जो दूसरों की मदद करना जानता हो, जिसके अंदर सेवा भावना हो, जिसके अंदर त्याग हो, जो त्याग की प्रतिमूर्ति हो, वो सभी लोगों को शनिदेव बहुत सुंदर परिणाम, बहुत सुंदर रिजल्ट देते हैं। अब शनिदेव के उच्च का होने का क्या अर्थ, यानी तुला राशि पर शनिदेव सर्वाधिक सुखद स्थिति में खुद को महसूस कर रहे हैं। अब जब सर्वाधिक सुखद स्थिति में खुद को महसूस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अभी कुछ देर पहले जो मैंने सारी बातें बताई वो बातें उस व्यक्ति पर घटित होंगी, यानी वह व्यक्ति ईमानदार होगा, उसका नैतिक आचरण उन्नत होगा, उसके अंदर सेवा भावना होगी, वह त्याग की प्रतिमूर्ति होगा, वह समाज के लिए सोचेगा और कुछ बड़ा करके जाएगा। यह तय है, उच्च के शनि अगर होंगे तो ये सारी चीजें होंगी। पर मेरा मन, क्योंकि मैं शुरू से आप लोगों को कहते रहा हूं कि जो मेरा ज्योतिष शास्त्र को समझने का और देखने का नजरिया है वह वैज्ञानिक है। मैं प्रैक्टिकल तौर पर पहले कुंडलियों का अध्ययन करता हूं, देखता हूं कि शनिदेव उच्च के फिर भी कई जगह अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्यों। अब हम लोग इस प्रश्न पर आते हैं। देखिए, 2.5 वर्ष का एक लंबा समय होता है,
और शनिदेव धीरे धीरे चलने वाले ग्रह। तो उच्च के शनि की लग्न कुंडली में स्थिति, अगर नवमांस में वही स्थिति नीच की हो गई तो, यानी तुला राशि पर शनिदेव दिख रहे लग्न कुंडली में और आपने मान लिया यह शनिदेव आपको बहुत अच्छा परिणाम दे, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह शनि नवमांस में नीच के हो, यह शनि दशमांस कुंडली में नीच के हो, तो फिर वहां नतीजों में फर्क आना दिख जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि शनिदेव उच्च के आपकी जन्म कुंडली में है तो आपका लग्न कौन सा है यह जरूर ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक उच्च के फल को पढ़ करके यह मान लेना कि शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, तो कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति इस भरोसे रह जाते हैं कि अब शनि की महादशा आ रही है, शनि की अंतर्दशा आ रही है, अब मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उससे संबंधित उपाय नहीं करते और जितना अच्छा फल उनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाता है। और यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग लाभान्वित हो सकें और ज्योतिष शास्त्र को अच्छे से समझ सकें। अब मैं आपको बता रहा था लग्न, अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, तुला लग्न वृषभ लग्न में उच्च का शनि जो फल दे पाएंगे वह अन्य लग्नों में कम देंगे। अगर मकर लग्न जो कि उनका उनकी स्वराशि है और कुंभ लग्न भी उच्च के होंगे तो भी लग्नेश के उच्च के होने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन सर्वाधिक शुभ फल तो आपको तुला और वृषभ में ही मिलेंगे ना, क्योंकि वो वहां योग कारक होते हैं। एक तो ये बात, यह चीज जाननी जरूरी। दूसरी बात कि शनिदेव किस भाव में उच्च के हो रहे हैं, प्रथम भाव में कि द्वितीय में कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश कहां उच्च के हो रहे हैं, यह भी जरूरी है देखना। इसके अतिरिक्त क्योंकि भाव के साथ ही उनका जो फल देने की उनकी प्रकृति है वह बदलेगी, और प्रथम भाव में होंगे तो उच्च के शनि के जो सर्वाधिक फल जो शुभ फल दृष्टिगोचर होंगे वो आपके व्यक्तित्व में होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में होंगे, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो अत्यंत आकर्षक हो जाएगा, आप में एक चुंबकीय आभा मंडल होगी, आपकी लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो लग्न में शनि आपको ये फल देंगे, लेकिन वही शनि यदि द्वादश में उच्च के हो गए तो क्या, तो अब फल में बदलाव, फल में परिवर्तन। फिर ऐसे शनि किस भाव के स्वामी है यह जानना आवश्यक, और द्वादश में जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर द्वादश में उच्च के हो रहे तो जातक का वृश्चिक लग्न होगा, तो अब वृश्चिक लग्न में शनि कहां के स्वामी होते हैं, तो पराक्रम के स्वामी होते हैं और सुख के स्वामी होते हैं, वहां के स्वामी कहां जा रहे हैं द्वादश में, तो व्यक्ति का पराक्रम पराक्रमी तो होगा, ये पराक्रम के भाव के स्वामी उच्च के हैं, पर उसके पराक्रम उसके जन्म स्थान पर जहां उसने जन्म लिया है वहां नहीं पहचाना जाएगा, वो जब जन्म स्थान से दूर जाएगा तो ही उसके पराक्रम के फलों की जो है पूर्ण जो है फल प्रदर्शित होंगे, उसका पूर्ण लाभ उसको मिलेगा, और उसकी जो गरिमा है वो अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा तब उसकी गरिमा में बढ़ोतरी होगी। यह जानना जरूरी है, एक ये चीज आपने समझा। अब उसके बाद हम ये जानेंगे कि शनिदेव पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है। अब शनिदेव पर यदि मंगल का प्रभाव हुआ, पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, अब मंगल शनि का संबंध कभी बनाऊंगा अलग से इस पर वीडियो, रोचक विषय है। अब मंगल शनि का संबंध जातक को जीवन काल में अत्यंत संघर्ष करा देता है, यदि आपकी जन्म कुंडली में यह योग होगा तो देखिएगा आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ा होगा। जब लगता है कि अब सुखों की प्राप्ति होने वाली है, अब जीवन में कुछ सुकून आया, वहीं पर एक नई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाएगी और परेशान हो जाएगी, ये होता है। शनि का संबंध यदि राहु से बन जाए तो भी यही परिणाम दृष्टिगोचर होंगे। शनि का संबंध यदि केतु के साथ बन जाए तो भी उच्च के शनि के जो शुभ फल हैं उनमें कमी आएगी। तो ग्रहों का उच्च मात्र होना एक अवस्था है, ग्रह वहां खुद को सहूलियत महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन उस उत्साह में यदि विघ्न बाधा डालने वाले घटक भी वहां पहुंच जाए तो फिर ऐसे ग्रह उदासीन भी होते हैं, उच्च राशि पर होने के बावजूद भी उस तरीके का फल नहीं मिल पाता है। निसंदेह आज के समय में शनिदेव का उच्च का होना एक वरदान है, मैं इस बात से बिल्कुल भी जो है इस बात को मैं बिल्कुल काटता नहीं हूं, इस बात को मैं मानता हूं और बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं इस बात से, लेकिन बाकी की जो मैंने चीजें बताई हैं, क्योंकि 2.5 वर्ष का समय लंबा समय होता है और सभी लोगों को
एक जैसा फल मिले, एक ही फल मिले, यह न प्रासंगिक है, न वैज्ञानिक है, न तर्कसंगत है। इस बात को आप समझें। आप अपनी जन्म कुंडली देखें, शनिदेव किस अंश पर है यह देखें, नवमांश दशमांश में उनकी स्थिति क्या है यह देखें, किन ग्रहों के साथ है, किस लग्न में उच्च के हो रहे हैं यह देखें, उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पर आए। और यदि जो मैंने बताई चीजें उनमें जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो सकारात्मक चीजें हैं, वह प्रकटित हो रही हैं, तो यकीन मानिए, प्रिय दर्शकों, यकीन मानिए, ये शनिदेव आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पदस्थ कर सकते हैं। लेकिन यदि यही शनिदेव कहीं पाप प्रभाव में हुए तो भी आप सफल होंगे, जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम अत्यंत पसंद आ रहा है, और इसी तरह कार्यक्रम को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह जो ज्योतिष का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वह लोगों तक पहुंचना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब कमेंट करें, जो भी आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कमेंट करके पूछें, निस्संदेह आपको इस मंच से उसका जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।